हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी कंप्लायंस ड्यू डेट्स ऑफ सितंबर 2022। तो अभी जो सितंबर मंथ में हमें कौन कौन सी कंप्लायंस करनी है और कौन से जो नोटिफिकेशन आए जिस वजह से LWF या रेट चेंज हुए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा जो इस मंथ में आपको कंप्लायंस करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि हर एक तारीख को हमारा ये लेटेस्ट जो वीडियो है वो आपको आ जाता है और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देते हैं। सबसे पहले जो कंप्लाइंस आती है, जो रिटर्न्स फाइल करनी होती है, वो आती है LWF की 5 सितंबर 2022 LWF केरला मंथली होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 तारीख तक आपको ये जो LWF की रिटर्न है वो आपको सबमिट कर देना अगर आपको केरला में आपका ऑफिस है या आप केरला के अंदर कोई भी कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट है। फिर नेक्स्ट है कि 15 सितंबर 2022 EPF एंड MPF 1952 मंथली डिपॉजिट PF कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपको PF का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता है 15 तारीख से पहले आपको जमा करना होता है और कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे चलान जमा करना है, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। नेक्स्ट है 15 सितंबर 2022 EPF एंड MPF 1952 इंटरनेशनल वर्कर रिटर्न। अगर आपकी कंपनी में IW वर्कर करता है तो उसकी रिटर्न फाइल की, नहीं करता तो आपको नील रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फिर नेक्स्ट है 25 सितंबर 2022 EPF एंड MPF 1952 फॉर्म 7IF एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयर अंडर EDLI। तो क्या होता है कि कुछ कंपनियां जो EDLI से एग्जेम्प्टेड होती हैं वो खुद का इंश्योरेंस लेके कंपनी से प्राइवेट से वो फिर एम्प्लॉयर को ये बेनिफिट दिलाती है। तो उस केस में एम्प्लॉयर अगर एग्जेम्प्टेड है EDLI से तो वो आपको ये 7IF की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जिसकी लास्ट डेट होती है 25 सितंबर 2022। फिर नेक्स्ट आती है 15 सितंबर 2022 ESIC Act 1948 मंथली डिपॉजिट ESIC कॉन्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों आपको मंथली डिपॉजिट ESIC कॉन्ट्रीब्यूशन टाइमली आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लगने वाली। फिर नेक्स्ट आता है 10 सितंबर 2022 प्रोफेशनल टैक्स आंध्र प्रदेश मंथली रिटर्न होती है। फिर 10 सितंबर 2022 प्रोफेशनल टैक्स मध्य प्रदेश, ये भी हमारी मंथली रिटर्न होती है। फिर 10 सितंबर 2022 प्रोफेशनल टैक्स तेलंगाना, यह भी हमारी मंथली रिटर्न होती है। फिर आती है 15 सितंबर 2022 प्रोफेशनल टैक्स गुजरात मंथली। तो दोस्तों जो भी मंथली रिटर्न्स आपको पता है आप डेली बेसिस पे कर मंथली बेसिस पे करते हैं तो आपको ध्यान रखना है और पेनल्टी से बचना है। फिर 20 सितंबर 2022 प्रोफेशनल टैक्स कर्नाटका, यह भी हमारी मंथली रिटर्न्स है। फिर नेक्स्ट आती है मंथली रिटर्न 21 अगस्त 2022 प्रोफेशनल टैक्स वेस्ट बंगाल मंथली। फिर नेक्स्ट है 31 अगस्त 2022 प्रोफेशनल टैक्स आसाम, ये भी हमारी मंथली रिटर्न है। फिर नेक्स्ट 31 अगस्त 2022 प्रोफेशनल टैक्स मेघालय, ये भी हमारी मंथली रिटर्न है। 21 अगस्त 2022 प्रोफेशनल टैक्स ओडिशा मंथली रिटर्न। दोस्तों जो भी हमारे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो लिंक्डइन उस पे और फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया पेज वो पे हमारे पोस्ट मिल जाएगी जिससे आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं और नोटिफिकेशन आप डाउनलोड ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है 31 अगस्त 2022 प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र मंथली रिटर्न्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो जितने भी है मंथली रिटर्न्स है आपको मंथली बेसिस पे करते हो फिर भी आपको ये जो चार्ट है वो आपको अपने डेस्क पे लगा रखना और आपको उस हिसाब से आपको रिटर्न फाइल कर लेना है जिससे आपको पेनल्टी ना लगे। फिर नेक्स्ट है 30 सितंबर 2022 पर्सनल टैक्स सिक्किम क्वार्टरली रिटर्न्स। फिर है 30 सितंबर 2022 पर्सनल टैक्स तमिलनाडु हाफ ईयरली रिटर्न्स। तो ये दो क्वार्टरली और हाफ ईयरली रिटर्न है ये इनको ध्यान रखना। तमिलनाडु में एक एम्प्लॉय की रिटर्न भी जाती है वो उसकी होती लास्ट डेट 15 सितंबर 2022। तो इन दोनों का ध्यान रखें और टाइम से रिटर्न फाइल करें। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट रिटर्न्स हो गई जो हमें फाइल करना है। फिर एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो है कि जो अभी LWF केरला LWF का रेट है वो चेंज हो गया था, पहले 20 रुपये थे, अब 1 सितंबर से इसकी रेट हो गई वो 50 रुपये। 50 रुपये एम्प्लॉयर से भी डिडक्शन होंगे, 50 रुपये एम्प्लॉयर से भी डिडक्शन होने। तो ये पर मंथ आपको डिडक्शन करना और ये 1 सितंबर से अप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब 1 सितंबर की जब सैलरी बनेगी ये अक्टूबर से जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा जहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे मिलते हैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। थैंक यू।